कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। हम लोग ऐसे जगह पे आए हैं जो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का एक खासियत, एक बड़ा नाम हासिल किया है पूरा भारत देश में नहीं, पूरा दुनिया में। आई कैन से अगर ऐसे बात बोल रहे हैं तो वो कृष्णा इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करना पड़ेगा, और कृष्णा इंडस्ट्रीज़ का बात करना है तो उसका कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर सुमित सर हमारे साथ है। उनसे पूछेंगे ये कंपनी का खासियत कैसे बना, वो लोग कैसे इतने मुकाम पर कैसे पहुँच गए। हाय सर, नमस्कार सुमित सर, कैसे हैं सर? सर बढ़िया है। सो कैसे है सर अहमदाबाद में, गुजरात में हालचाल कैसे है? गुजरात में भी हालचाल बहुत बढ़िया है। वेरी गुड सर। सर ये थोड़ा कृष्णा इंडस्ट्रीज के बारे में हम सब लोगों को, जो दुनिया भर के लोग जो मानना चाहते हैं, जो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाना चाहते हैं, आपका नाम तो बहुत बढ़िया है। सो आपके कंपनी का बारे में और डिटेल बोलिए जो नए लोग आना चाहते हैं। हमारा कंपनी कृष्णा इंडस्ट्री 2007-08 से चल रहा है। okay. अहमदाबाद में पहला हमारा स्मॉल यूनिट था। okay. स्मॉल यूनिट से हमने 100 लीटर प्लांट से शुरुआत किया था। okay. छोटे छोटे कस्टमर आ रहे थे स्मॉल यूनिट में, उससे भी बड़े कस्टमर भी स्मॉल यूनिट में आ रहे थे। okay. और हमारा ब्रांड कृष्णा इंडस्ट्री सर्विस में भी बहुत अच्छे थे। कस्टमर को हमने सेल किया तो उन्होंने आगे और कस्टमर को भेजा। फिर हमने उसके बाद 2014 में बड़ी कंपनी किया, बड़ा जगह लिया, वहाँ पे बड़ा जगह में बड़ा प्लांट चालू किया, 200 लीटर, 300 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर, वहाँ से और बड़े कस्टमर आना चालू हुए। ऐसे ऑल ओवर इंडिया में हमारा कृष्णा इंडस्ट्री का नाम बढ़ने लगा वाया कस्टमर कस्टमर कस्टमर। ओके तो अभी 100 लीटर से अभी 1000 लीटर तक पहुँच गए आप लोग? यस, 100 लीटर से लेकर अभी 1000 लीटर तक पहुँच गए। अभी नेक्स्ट गोल हमारा 1000 से 1500 लीटर तक का है। क्या बात है मैन, क्या बात है यार, सच में बोलूँ। ये सब पीछे आपका प्रोडक्शन मैनेजर के बाद सुमित का तो पक्का रहेगा, आपका तो कंट्रीब्यूशन तो पक्का रहेगा इसमें। ओके तो हमारा कंट्रीब्यूशन तो है, पर ऑलरेडी हमारे पूरे स्टाफ का है, हेल्पर, टेक्नीशियन, रेफ्रिजरेशन यूनिट, टोटली मशीनरी के ऑल स्टाफ का भी सपोर्ट है। वेरी गुड, इससे सचमुच का सब लोगों का टीम वर्क है बोलते हैं। यस, पूरा टीम वर्क है हमारे कंपनी में। टोटली डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग कस्टमर, अलग अलग वर्कर लोग हैं। ओके, टोटल इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक के इंजीनियर है, रेफ्रिजरेशन तो रेफ्रिजरेशन इंजीनियर है, टेक्निकल तो टेक्निकल रेफ्रिजरेशन है, जैसे कपकॉर्न फिलिंग मशीन है वैसे कपकॉर्न फिलिंग बंदे हैं। okay. सर्विस इंजीनियर के लिए मिस्टर बुमाराम भाई है। ऑल ओवर इंडिया में सर्विस के भी 5-6 यूनिट में बंदे लोग रखे हैं हमने, लड़के लोग रखे हैं। एक एक डिपार्टमेंट के लिए एक एक खासियत लोगों, आपने चुन चुन के लोगों को रखा है। yes. जो खासियत के अच्छे अच्छे सर्विस दे सकते हैं। yes. और अभी रिसेंटली 2017-18 में हमने डीलर बनाना चालू किया है। फर्स्ट डीलर हमने वेस्ट बंगाल में बनाया है। okay. अभी सेकंड डीलर केरला में बनाया है। okay. ऐसे अलग अलग कंट्री में हम डीलर बनाना चाहते हैं, जिससे हमारा सर्विस फास्ट हो जाए। सर्विस फास्ट हो जाए ना सर जी, मैं वही पूछना चाह रहा था। आजकल तो लोग, तो सब लोग तो भेज देते हैं आइटम्स, लेकिन सर्विस के बारे में आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए? हमारा कंपनी का सर्विस का खासियत एक है, कंपनी में जितने भी लड़के काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, मेरे से लेके हेल्पर तक, सबके लिए एक ही रूल्स, एक ही नियम है। कस्टमर आया, सर्विस किया, फ़ोन आया तो लोग ड्यूटी आवर्स में या घर पे भी फ़ोन उठा के जवाब देते हैं और कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। और वो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है तो हम घर पे आदमी रहता है, वो फ़ोन करता है मेरे को और मेरे बॉस को कि सर ये प्रॉब्लम है क्या करें, तो हम बोले अभी चले जाओ बाय फ्लाइट या बाय रेलवे बाय ट्रैवल्स, तो लड़के लोग चले जाते हैं। ये हमारा कंपनी का खासियत है सर्विस का सर। अभी जो लोग, और लड़के लोग भी मना नहीं करते, वो भी चले जाते हैं। आपने टीम ऐसे चुना है फिर? हाँ, यस, टीम ही हमारा ऐसा है सर। ऐसे वारे वारे। और आगे भी टीम ऐसा ही बढ़ाना है, ऐसे और लड़के लोग का। यस, सो सुनिए यार, जो भी लोग जो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाह रहे हैं, फर्स्ट चॉइस तो पक्का बिल्कुल कृष्णा इंडस्ट्री से होगा। क्यों बोले तो आइटम खरीदना एक बात है, लेकिन सर्विसेस वो लोग धीमा से बोल रहे हैं कि हम लोग जहाँ पर भी हो, कहाँ पर भी हो देश में, हम लोग रेडी टू गो टीम है, ना सुबह है ना रात है, फोन करे तो बिल्कुल आ जाएंगे। बिल्कुल आ जाएंगे। यस, वेरी गुड सर, मैं सच्चे दिल से आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ, ऐसे टीम बना रहे हैं, ऐसे सर्विस दे रहे हैं। और एक बात भी सर बताना रह गया कि हमारा आउट ऑफ कंट्री में भी प्लांट है, वहाँ पे, यस, वहाँ पे भी हमारा वीडियो कॉल से हम इंस्टॉलेशन करते हैं, हमारा आदमी नहीं जाता है, फोन से इंस्टॉलेशन करवाते हैं आउट ऑफ कंट्री में। अभी रिसेंटली 6 महीने पहले हमने ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में 2 प्लांट भेजे 500 लीटर में, उनको भी वीडियो कॉल से इंस्टॉलेशन करवाया। उसके पहले अफगानिस्तान में भेजा, उसके पहले श्रीलंका में भेजा, और अभी रिसेंटली यूके में जा रहा है स्वीट लाइट आइसक्रीम करके। सो जहाँ पहले आदमी पहुँचता है वहाँ पहले कृष्णा इंडस्ट्री उनका आइसक्रीम प्लांट पहुँच रहा है, दैट इज़ व्हाट उन लोग बोल रहे हैं, इतना गर्व से बोल रहे हैं वो लोग। सो कितना मीन्स के लिए, इन सबके लिए जो मेक इन इंडिया, जो देश का नाम ऊपर कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं, उन लोगों का हम लोग
बिल्कुल उनसे ही हम लोग रिकमेंड करना पड़ेगा सर जी। सो आप तो देश भर में और विदेश में भी अपना नाम रोशन किया है, तो आपका क्लाइंट्स एक बार लोगों के लिए बता दीजिए, आपका बड़े बड़े क्लाइंट्स कौन कौन हो सकते हैं अभी हमारे? अभी रिसेंटली आप अहमदाबाद में देखो बड़े बड़े क्लाइंट, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह हमारे क्लाइंट है। खुशबू आइसक्रीम है, काठियावाड़ आइसक्रीम है, भरूच में वाइट डायमंड आइसक्रीम है, बॉम्बे में गोधरा में बॉम्बे चौपाटी आइसक्रीम है, फिर इधर मेहसाणा में मधुरम डेयरी है, फिर उसके बाहर जाए केरला में तो पीडीपी डेयरी है, समीरा फूड है, ब्रिलियंट इंजीनियरिंग है, या हैदराबाद में डिलेसिस आइसक्रीम है, क्लासिक आइसक्रीम है, भेरुनाथ आइसक्रीम है, सब आपके प्लांट मैन्युफैक्चरर्स करते हैं। फिर मोरदी में सौराष्ट्र में जाओ तो फिनिक्स आइसक्रीम है। क्या बात है यार, जहाँ पर भी जाए उनका कृष्णा इंडस्ट्रीज का ट्रेडमार्क तो बहुत ही स्ट्रांग है। सर जी एक बात तो बोलिए, आपने गवर्नमेंट के हिसाब से क्या सर्टिफिकेशन कुछ हासिल किया है क्या? नहीं, गवर्नमेंट के हिसाब से कोई सर्टिफिकेट नहीं किया है सर। हाँ, आपको कुछ टेस्टिमोनियल्स कुछ अवार्ड्स मिले थे ना कहीं पर भी सर्विस के हिसाब से? सर्विस के अवार्ड मिले हुए हैं, नंबर वन सर्विस के अवार्ड मिले हुए हैं। हमारे कृष्णा इंडस्ट्री को नंबर वन सर्विस के अवार्ड मिले हुए हैं सर्विस के, काठियावाड़ आइसक्रीम से मिले, गोधरा बॉम्बे चौपाटी से मिले, खुशबू से मिले, केरला में से मिले हुए। और क्या चाहिए यार, और क्या चाहिए, मैं बोल रहा हूँ लोगों को जब कभी भी आइटम खरीदने के बाद सर्विस के हिसाब से कृष्णा इंडस्ट्रीज ने इतना नाम हासिल किया बोले तो जो भी आइसक्रीम का प्लांट बनाना चाह रहे हैं कृष्णा इंडस्ट्रीज को कांटेक्ट करना पड़ेगा। और कृष्णा इंडस्ट्री का खासियत है, किसी के पास कृष्णा का भी मशीनरी नहीं होता है, दूसरे का मशीनरी होता है, वो भी हम सर्विस करते पहले। ये कृष्णा इंडस्ट्री का एक और खासियत है। दूसरी कंपनी में से फ़ोन आया कि हमारे पास ये मशीन है, ये कंपनी का मशीन है, क्या प्रॉब्लम है? बोले ये प्रॉब्लम है, तो हमारा आदमी तुरंत चला जाता है। हम नहीं बोलते कि नहीं आप उसी से लीजिए सर्विस, वो भी सर्विस हम देते हैं। ग्रेट यार, ग्रेट। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, और क्या बोलना यार, सी लोगों को इससे ज़्यादा कौन क्या कर सकते हैं जो जो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जो आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लिए, तो पक्का ये कृष्णा इंडस्ट्रीज और इनके प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर सुमित सर है जो हम लोग को गाइडेंस कर रहे हैं। सर जी आपने जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स इधर डिस्प्ले पर रखे हैं, चलो एक बार हम लोग एक छोटा सा टूर बनाएंगे, इन डिटेल थोड़ा एक्सप्लेन करें तो जो लोग व्यूअरशिप वहाँ पे हैं आइसक्रीम प्लांट बनाने वाले हैं वो लोग समझ पाएंगे और आपके आइटम्स को ऑर्डर करेंगे। चलो लेट्स हैव अ टूर, कट। ओके, दिस इज अ आइसक्रीम प्लांट, 500 लीटर आइसक्रीम प्लांट है। सबसे पहले यहाँ पे अपना ये पेस्चराइजिंग टैंक है, इसमें अपना दूध गर्म होता है, ये रेसिपी यहाँ से स्टार्ट होता है। ऑनलाइन पूरा सिस्टम है अपना यहाँ से, ऑनलाइन सिस्टम के बाद पीएच फिल्टर में मिल्क पम्प, होमोनाइजिंग के बाद पीएच में जाता है मिल्क, पीएच में से एजिंग होता है, एजिंग से आप दूध को निकाल के आप आइसक्रीम बना सकते हो। ये अपना मिल्क प्लांट का रेसिपी है, 100 से लेके 1000 तक का अपने पास है रेंज टोटली। ये आपका दूध बनाने का हो गया, अभी इसके बाद चलते हैं दूध के बाद आइसक्रीम, आइसक्रीम कैसे बनाना है। तो यहाँ से अपने को मिल्क निकालना है, मिल्क निकालने के बाद अपने को फ्लेवर टैंक में रखना है, फ्लेवर टैंक में रखने के बाद इसमें फ्लेवर बनाना है, फ्लेवर टैंक में रखने के बाद अपने को फ्लेवर बनाना है, फ्लेवर बनाने के बाद उसमें कंटिन्यूस फ्रीजर में जाएगा, कंटिन्यूस फ्रीजर में जाने के बाद इधर से अपना आउटपुट आइसक्रीम निकलेगा, 200 लीटर कंटिन्यूस फ्रीजर, 300 लीटर कंटिन्यूस फ्रीजर। किसी को ड्राई फ्रूट वाला आइसक्रीम चाहिए तो 200 to 200, काजू बादाम द्राक्ष वाला इधर से भी निकल सकता है आपका आइसक्रीम। इसके बाद अपना रेंज है 400 लीटर, यहाँ से अपना आइसक्रीम आउटपुट यहाँ से है, ठीक है, ये 600 लीटर रेंज है अपने पास, टोटल अपना अलग अलग रेंज है अपने पास, ठीक है। ये 600 लीटर कंटिन्यूस फ्रीजर, 600 लीटर फ्रूट, 100 लीटर फ्रूट फीडर। ओके, एक और मशीन का रेंज दिखाने का रह गया, जो ऑटोमेटिक कपकॉर्न फिलिंग मशीन है, ऑटोमेटिक कपकॉर्न फिलिंग मशीन है। इसमें आप कॉर्न ऑटोमेटिक किया स्टार्ट, ये सेंस हुआ, इधर से चॉकलेट होगा, आइसक्रीम फिलिंग होगा, इससे क्लोजिंग होके ये अपना आइसक्रीम बनके बाहर आ गया, ठीक है, ये अपना आइसक्रीम बनके बाहर आ गया। ये भी हमारे पास सिंगल लाइन टू लाइन की रेंज है, सिंगल लाइन डबल लाइन की दो रेंज है, और अभी इस नेक्स्ट लेवल अपना लीनियर मशीन का है, नेक्स्ट गोल्फ और नेक्स्ट प्लानिंग लीनियर मशीन पे है अभी,
वो लॉन्च करने वाला है। ठीक है, माय नेम इज़ सुमित पंचाल, कृष्णा इंडस्ट्री मैनेजर। मैंने अभी जो जो प्रोडक्ट के बारे में बताया है, टोटली प्रोडक्ट रेंज हमारे कंपनी में आपको मिल जाएगा और सप्लाई भी होगा, सर्विस भी मिल जाएगा। कभी भी कुछ भी कॉन्टेक्ट हो तो माय कॉन्टेक्ट नंबर है 9016760364, प्लीज़ कॉल मी। बाय बाय, थैंक यू।